एक बार फिर से आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स। आवर विजन इज टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग व्हाट क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। आज करेंगे, अभी करेंगे और सीए बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है। आज के डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? इंडेस वन में हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था इसको। पहला हमने बात की थी कि मीनिंग एंड पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका पर्पस क्या होता है, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट वी इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओवरऑल कंसिडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरऑल कंसिडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है जब प्रिपेयर किया जाता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने पहले ही आपको बता दिया कि इन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अब एक एक करके अपने देखेंगे कि आखिर ये क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने नंबरिंग नहीं की थी, अभी नंबरिंग कर लेते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक क्या है अपना? पहला है ट्रू एंड फेयर व्यू। लेट मी ड्रॉ अ लाइन फर्स्ट। या दिस इज व्हाट द लाइन इज, नाउ वी आर मूविंग अहेड। पहला पॉइंट है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल कंसिडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन किन, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो इसमें हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसमें से 8 बातें हम लोग बताएंगे। ये सारा का सारा चीज इंडेक्स में मेंशन है कि भैया आपको ट्रू एंड फेयर व्यू का ध्यान रखना है, अक्रूअल बेसिस पे बनाना है, मटेरियलिटी का ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी, ऑफसेटिंग, कंपेरेटिव डेटा आपको देना है। तो इन सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये सारी की सारी बातें इंडेक्स वन में लिखी हुई हैं, जो हम आपको बताएंगे। पहला है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज फेथफुल प्रेजेंटेशन। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, दैट इज फेथफुल प्रेजेंटेशन। मतलब कि आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो इस प्रकार से बनाना है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। आप ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, अगर आप इंडेक्स आप पे एप्लीकेबल है, सो यू आर बाउंड टू मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब भाई साहब, अब ये ट्रू एंड फेयर व्यू कैसे पता चलेगा भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है? तो इसका बेसिक चीज क्या है कि आप जब सारे एप्लीकेबल इंडेस, जो भी सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल इंडेस हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो मान लिया जाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू। आई रिपीट, ये ऑडिट वाला ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ये ऑडिट वाला ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू बात करते हैं हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में, तो जब आप सारे के सारे इंडेस फॉलो करोगे, दैट means only applicable ones, there are some which are not applicable to some entity, लेकिन जो applicable ones है जब वो आप follow करोगे तो उसको माना जाएगा कि आपने true and fair view को ध्यान में रखते हुए आपका जो financial statement है वो true and fair view दिखा रहा है, ठीक है? तो मैंने बात की कि भाई ये audit से इसका कोई relation नहीं है, there is no relation with the audit। जैसे audit में हम बोलते हैं ना true and fair view शो कर रहा है नहीं कर रहा, हम इसका इंक्वायर करते हैं, इसका ऑडिट करते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ऑडिट फिर उसके बाद हम अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं है, यहाँ पे ऑडिटर, ये ऑडिट में ऑडिटर काम करता है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स कब बोला जाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू है एंटिटी की तरफ से, जब वो सारे के सारे एप्लीकेबल इंडेस को फॉलो करेगा, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है कि आपने, जैसे आपका एंटिटी है, आपने बोला कि हमने सारे के सारे इंडेक्स फॉलो किए हैं तो हमारी बुक्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, लेकिन ऑडिटर आए बोले भाई साहब नहीं, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। अब हो सकता है बिकॉज इंडेक्स में बहुत सारी सब्जेक्टिविटी है कि हमने ये अजम्पशन लिया है, ऑडिटर बोलेगा नहीं अजम्पशन गलत है सही है, सो ऑडिट का ट्रू एंड फेयर व्यू अलग है और एंटिटी का ट्रू एंड फेयर व्यू
अलग है। अब एंटिटी कैसे बताएगी कि मेरा अकाउंट ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो कर रहा है? सो एंटिटी क्या करती है, रिपोर्ट देती है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, एक रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये कौन इशू करेगा, ये एंटिटी इशू करती है, रिपोर्ट देती है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब फॉलो करना। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जब एक एंटिटी देती है अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसको माना जाता है कि भाई साहब एंटिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। ये एंटिटी क्या करेगी, एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व। और ये कैसा होना चाहिए, इसमें दो कंडीशन है, ये एक्सप्लिसिट होता है एंड अनरिजर्व, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जो उसमें बोले कि हमने थोड़ा सा ये फॉलो नहीं किया है, थोड़ा सा वो फॉलो नहीं किया, ये नहीं किया, तो दैट इज नॉट द अश्योरेंस कि आपने ट्रू एंड फेयर व्यू आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रहा है। और दूसरी बात, अनरिजर्व्ड होना चाहिए, बिना एनी कंडीशन, विदाउट एनी, बोले बिना किसी शर्त के आप बोलो कि भाई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस में हमने सारे के सारे इंडेक्स को फॉलो किया अच्छे से। ऐसा नहीं कि हमने बोला कुछ जगहों को छोड़ के सब जगह हमने फॉलो किया, दैट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस जब एक्सप्लिसिट होगा, स्पष्ट होगा और विदाउट एनी कंडीशन, दैट इज कॉल्ड अनरिजर्व्ड, देन वी विल से कि भाई एंटिटी हैज फॉलोड ट्रू एंड फेयर व्यू व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ कंपनीज में जैसे ITC की आप एनुअल रिपोर्ट देखोगे, विप्रो की एनुअल रिपोर्ट देखोगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कि लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कि उन्होंने कंप्लाई किया, लेकिन रिलायंस के स्टेटमेंट में, एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो कोई कंपनीज इशू करती भी हैं, कोई कंपनी इशूज नहीं भी करती है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्यों इशू नहीं करती, कुछ जैसे कोई ना कोई इंडेक्स आप जब फॉलो नहीं करते हो तब बोला जाता है भाई आप वो इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया अपना पहला पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई साहब देखो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन जब आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देते हो तो आपकी बुक्स बहुत ज्यादा रिलायबल लगेगी, इजंट इट, आपकी बुक्स रिलायबल लगेगी। जब ऑडिटर सपोज करो एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, लिखता है उसमें ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ता है, आपके स्टेक होल्डर्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट्स का मतलब यही है कि रिलायबल स्टेटमेंट आपका नजर आएगा और अंडरस्टैंडेबल रहेगा और रेलिवेंट भी रहेगा, लोगों को समझ में आएगा कि भैया इंडिया फॉलो किया और कोई रूल फॉलो नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अगर क्या हो गया कि आप डेविएट कर पाए, अगर आप बोले कि नहीं हम इंडेक्स फॉलो नहीं किए, क्या ऐसा हुआ जैसे कि आपने बोला कि हम नहीं फॉलो कर पाए, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आप जब नहीं देते हो तो उसका क्या मतलब होता है कि आपने फॉलो नहीं किया होगा कहीं कहीं, या फिर कोई चीज आपने सही से नहीं की होगी तभी तो आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं देते हो। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, दूसरा पॉइंट अपना डेविएशन। अगर आपने डेविएशन किया, आप पे एप्लीकेबल है, रिपीट, डेविएशन ऑफ इंडेस का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ इंडेस, आपने जानबूझ के, डेविएशन ऑफ इंडेस मतलब आप पे एप्लीकेबल था इंडेस लेकिन आपने फॉलो नहीं किया, तो क्या ये ऐसा होता है? दिस इज वेरी रेयर, बहुत ही रेयरेस्ट केस में आप इंडेस फॉलो नहीं करो, रेयर टू रेयर मतलब बहुत ज्यादा ही रेयर होगा। अब इस केस में क्या होगा, इसमें आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस तो नहीं दे सकते, पहली बात, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आप नहीं दे सकते, आई रिपीट, आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस नहीं दे सकते बिकॉज आपने फॉलो नहीं किया है। अगर फिर भी आपने, अगर सपोज करिए आपने डिवीट किया, तो उस केस में क्या किया जाएगा, आपको फांसी तो दी नहीं जाएगी, कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पहली बात नेचर ऑफ डेविएशन बतानी होगी, किस प्रकार का आपने डेविएशन किया है, नेचर ऑफ डेविएशन, ठीक है। दूसरी बात,
आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई आपने किन वजहों से इसको फॉलो नहीं किया है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप तो नेचर बताओ कि कहां फॉलो नहीं किया है, कहां डेविएट किया है और उसका क्या रीजन है। और तीसरी बात ये आपको बताना, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तीसरा उसका इफेक्ट कहां पे, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या इंपैक्ट आया, क्या इफेक्ट आया, वो भी आपको बताना पड़ेगा ड्यू टू दिस डेविएशन, इस डेविएशन की वजह से। और लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेविएशन के लिए आपने कौन सी अकाउंटिंग फॉलो की। डेविएशन ऑफ इंडिया आपने तो कर दिया, लेकिन उसके जगह पे कौन सी अकाउंटिंग आपने फॉलो की है, समझ रहे। डेविएशन आपने कर लिया लेकिन उसके जगह पे कौन सी अकाउंटिंग फॉलो की है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अपने अगले दो टॉपिक, हमने कवर कर लिया, आई रिपीट, हमने दो टॉपिक क्या क्या कवर किया। अभी हमने बात की ट्रू एंड फेयर व्यू की। ट्रू एंड फेयर व्यू में हम ये बोले कि अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इशू करती है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, एसओसी बोल लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, और ऑडिटर जो अपना देता है वो अलग चीज है। आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है, कंपनी और ऑडिटर दोनों को इंडिया फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं एक बात बता देता हूं, एक रूल है, कंपनी इंडियस, आई रिपीट, कंपनी इंडियस रूल 2015, इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी शुड फॉलो, एन एंटिटी शुड फॉलो इंडियस, एन ऑडिटर शुड चेक्ड वेदर प्रॉपरली फॉलोड और नॉट, ठीक है। तो एंटिटी जो फॉलो करेगी तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देगी, अगर नहीं हुआ तो डेविएशन का रीजन के साथ हमें बताएगी और ऑडिटर उसको चेक करेगा भैया सही है या गलत है। सो ये बेसिक डिफरेंस है उसमें, ठीक है। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, आर यू रेडी। थर्ड पॉइंट इज गोइंग कंसर्न। इसका मतलब क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गोइंग कंसर्न है या नहीं है, आखिर इसका मतलब क्या है, व्हाट डज द गोइंग कंसर्न मींस। गोइंग कंसर्न मतलब क्या, कि एंटिटी चल रही है, चलती रहेगी, यही तो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, कंपनी के पास कैपेबिलिटी है टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फ्यूचर। बेसिकली अगर ये गोइंग कंसर्न है तो अपने फ्यूचर में सारे के सारे ऑपरेशन जो भी इनकी, जैसे कंपनी सपोज करो एक स्टील इंडस्ट्री है, एक टाटा स्टील कंपनी है, बड़ा एग्जांपल ले लिया, बट वहां पे गोइंग कंसर्न का कोई इशू है नहीं अभी तक कोई ऐसा। हाँ क्राइसिस आए थे उसमें अभी रिवाइवल स्टेज में, बट मैं बात कर रहा हूँ गोइंग कंसर्न की। तो क्या वो एज एन ऑडिटर व्हाट यू विल सी, और एज एन एंटिटी व्हाट यू विल नीड टू नो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन, कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स फ्यूचर ऑपरेशंस। क्या आप वो फ्यूचर ऑपरेशन कर पाओगे या फिर कर नहीं पाओगे। अगर ऐसा होगा दो सिनेरियो है, यस या नो, ठीक है। आप अपने फोर्सिएबल फ्यूचर, आने वाले भविष्य में जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर कर पाओगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा आपका, समझ रहे हो। गोइंग कंसर्न अगर फॉलो, मतलब आपका बिजनेस में गोइंग कंसर्न है कोई बात नहीं, जनरली कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वैसे बनेगा। अगर नहीं है तो आपको नॉन गोइंग कंसर्न के बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब नॉन गोइंग कंसर्न क्या भैया, सपोज करो मेरी लायबिलिटी एक है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ड्यू है, लेकिन मेरा नॉन गोइंग कंसर्न है तो इसी साल इसी ईयर में सारा का सारा पेबल हो जाएगा, इजंट इट। जब वो गोइंग कंसर्न है ही नहीं तो सारी की सारी लायबिलिटी इज नाउ एट अ टाइम, मतलब इसी साल हो गई ना। आप अगर फ्यूचर में ऑपरेशन नहीं करोगे तो आपके यहाँ कोई लायबिलिटी, तो दैट शुड बी
written off, or that should be paid in particular year itself. So that is what the basic difference is. This will be on going concern basis and this will be on non-going concern basis. Agar if you fail, going concern nahi ho, agar nahi hai, tab aapko non-going financial statement banana padega, otherwise normal financial statement banane padenge. अच्छा, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर भी किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा नोट्स टू अकाउंट में. नोट्स टू अकाउंट्स में मैनेजमेंट को, आपको पता है या नहीं, जैसे आपको जैसे आप एनुअल रिपोर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ रहे हो तो उसमें एक पॉइंट होता है बेसिस फॉर प्रिपरेशन. बेसिस फॉर प्रिपरेशन नोट्स टू अकाउंट में एक पॉइंट रहेगा बेसिस फॉर प्रिपरेशन, ये पहला ही दूसरा पॉइंट रहेगा. उसमें आपको बताना होगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं, या फिर किस बेसिस पे आप ये अकाउंटिंग या फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो. बेसिस फॉर प्रिपरेशन में आपको ये दिखाना पड़ेगा. उसके लिए मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, सबसे तो गोल्डन क्वेश्चन यही है कि किन बातों को ध्यान में रख के ये बताया जाएगा कि भैया गोइंग कंसर्न है या नहीं है. चलिए मैं हम बताते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहली बात तो जो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना. जब ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गोइंग कंसर्न को इवैल्यूएट करना. इवैल्यूएशन ऑफ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का इवैल्यूएशन करना कि भाई साहब मेरा ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न में है या नहीं है. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नॉन गोइंग कंसर्न पे फॉलो करना होगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई साहब आप किस बेसिस पे बना रहे हो. गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हो तो वो भी डिस्क्लोज करो, नहीं बना रहे हो तो भी डिस्क्लोज करो बेसिस फॉर प्रिपरेशन में. ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तीन फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है या कर सकता है. पहला प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप बहुत भयंकर लॉस में हो, प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप बहुत भयंकर लॉस में हो तो क्या होगा. अगर आपका कैश फ्लो ऑपरेशन, मतलब आपके पास कैश नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, कैश फ्लो बहुत ही लो है, ठीक है, ऑपरेशन से जो आने वाले पैसे हैं वो बहुत ही कम है, और एक कैश फ्लो अदर, इन तीन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. और ये कितने के लिए, फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, मतलब आने वाला जो ईयर है क्या उसमें आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है कि आप सर्वाइव कर लो. आप भयंकर लॉस में चल रहे हो और कैश फ्लो आपके ऑपरेशन से भी नहीं आ रहा है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे होता ना कि जैसे ओला इज इन ह्यूज लॉस, उबर इज इन ह्यूज लॉस, अब ये दोनों तो भाई गोइंग कंसर्न नहीं होने चाहिए. इनके पास देखो कि बहुत भयंकर भयंकर लॉस रिपोर्ट करेंगे. इंडियन बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, अमेजन इज ऑल्सो इन ह्यूज लॉस, ठीक है. तो आखिर ये रन इनकी गोइंग कंसर्न कैसे जिंदा है, मतलब ये गोइंग कंसर्न तो हो ही नहीं सकता. देखो पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी नहीं है, आई अग्री. क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, जी हाँ है, बिल्कुल है, कैश फ्लो ऑफ फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भयंकर है, बट दैट इज नॉट मेकिंग इट प्रॉफिटेबल. लेकिन इनके पास फंडिंग है. ये लास्ट वाला पॉइंट कैश फ्लो अदर्स, बहुत सारे फंड इनके पास, बहुत सारे दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे. दैट मीन्स कि कैश फ्लो फ्रॉम अदर सोर्सेज इट हैज ह्यूज फंड्स, तो ये सर्वाइव कर पा रहे. ये गोइंग कंसर्न है, इनको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि बिजनेस इनका अगले साल एटलीस्ट फॉर 12 मंथ चलेगा. तो इन तीन फैक्टर्स को देखते हुए मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आने वाले समय मेरा धंधा पानी चलने वाला है या नहीं. समझ रहे हैं आप, तो अगर नहीं चलेगा तो आपको बताना पड़ेगा. और जैसे मैंने बोला बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में आपको ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि भैया आपका गोइंग कंसर्न है या नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में. तो गोइंग कंसर्न हमने बात कर ली, गोइंग कंसर्न की उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बात की. पहली बात तो हमने ये की कि भैया एंटिटी, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, कि एक एंटिटी
कि आप मालिक हो तो आपको ये सोचना है, मैनेजमेंट हो आप तो गोइंग कंसर्न आपका ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है गोइंग कंसर्न का, कि आप फ्यूचर का फोर्सिबल ऑपरेशन, जो जो आने वाले फ्यूचर के ऑपरेशंस है वो आप कंडक्ट कर पाओगे या नहीं, मतलब लोन का पेमेंट करना, एम्प्लॉय का पेमेंट करना, अपने बिजनेस में क्रेडिटर का पेमेंट करना, लोन लिया हुआ लायबिलिटी है और बहुत सारे रीपेमेंट करना, क्या आप वो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये आपको देखना होगा कि एटलीस्ट आने वाले 12 महीने में आप कहाँ सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो नॉन, अगर यस या नो, अगर यस है तो कोई दिक्कत नहीं, नो है तो आपको नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये रही बात इसकी, और हमने बात की कि भाई आप किन बातों को ध्यान में रख के आप डिसाइड करोगे कि आपका गोइंग कंसर्न है या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और दूसरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से कैश फ्लो आ रहा है नहीं, या कैश फ्लो फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। तो इन तीन बातों में अगर आप स्टक हो गए, अगर फंस गए इन तीन चीजों में, तो भैया आपका धंधा गया बंद है, मतलब आने वाले समय में वो 12 महीना अगर सर्वाइव नहीं कर पाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरी बिजनेस ऑन आई मीन इज नॉट गोइंग कंसर्न एनी मोर। आपको बेसिस फॉर प्रिपरेशन बोल के नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बेसिस फॉर प्रिपरेशन। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये बेसिस फॉर प्रिपरेशन को जानने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और उसमें नोट्स टू अकाउंट्स जो बनता है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या आपको पता है क्या क्या चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोज करनी पड़ती है, किन किन बातों को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक करके एक बार रिकैप दे देता हूँ कि किन किन बातों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फिर अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सपोज करिए आपका नोट्स टू अकाउंट्स है, ठीक है, और हम बात करते हैं कि किन किन बातों को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये फ्री की एडवाइस है, मतलब अभी हम लोग गोइंग कंसर्न की बात कर रहे थे, लेकिन ये आपको मैं बार बार बेसिस फॉर प्रिपरेशन बता रहा हूँ, तो आपको वो जानना पड़ेगा, समझना चाहिए कि वो कहाँ पे आता है। तो पहला देखिए, सपोज करिए नोट्स टू अकाउंट से स्टार्ट हुआ, तो पहला पैराग्राफ होता है, पहले जो अभी डिस्कस करता है, पहले जो नोट्स जिनका होता है, तो जनरल इंफॉर्मेशन की होती है अबाउट द कंपनी, भी ये कंपनी ये है, कंपनी वो है, क्या कर रही है कंपनी, तो जनरल इंफॉर्मेशन इसमें रहेगा। दूसरा पॉइंट जो आता है वो उसको बोलते हैं बेसिस फॉर प्रिपरेशन, किन किन बातों को ध्यान में रख के आपने प्रिपरेशन किया इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब यहीं पे आ जाएगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं, गोइंग कंसर्न के बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहीं पे आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, जैसे मैंने बोला ना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस आपने दिया है या नहीं दिया है, अगर उसमें भी अगर नहीं दिया है तो डेविएशन जो है उसके बारे में रीजन और इफेक्ट्स के साथ डिस्क्लोज करिए। तो ये इसी के बारे में बात करें, तो ऊपर भी दो पॉइंट इसके बारे में हमने बात किया। फिर क्या आएगा, फिर आता है एस्टीमेट जो आपने लिए हैं, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो आपको दिखानी पड़ेगी, भैया हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, ये एस्टिमेट हमने लिया हुआ है, ठीक है। और फिर आता है डिसएग्रीगेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, मतलब उसको तोड़ तोड़ के दिखाया जाता है ना, इनकम एक्सपेंसेस, सपोज करो अदर एक्सपेंस है, तो अदर एक्सपेंस में क्या क्या एक्सपेंसेस, तो उसका ब्रेकअप यहाँ पे दिया जाता है। फेस पे तो बस वही 10 करोड़ का अमाउंट है, 10 करोड़ लिख दिया जाएगा, लेकिन उसका ब्रेकअप यहाँ दिया जाएगा, वैसे एसेट्स की लाइबिलिटीज की। तो इस सारे का डिसएग्रीगेशन, मतलब कि विभाजित रूप, तोड़ तोड़ के डिटेल यहाँ पे दिया जाता है। फिर आता है अकाउंट डिस्क्लोजर, जो जो रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, बोला जाता है ना आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जो अकाउंट का डिस्क्लोजर है रिक्वायरमेंट इन डेज का, वो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। या तो इंडियस से हो, या कंपनीज एक्ट बोला हो कि वो डिस्क्लोज करो, या फिर आपको कोई भी और अदर अथॉरिटी बोली हो, सेबी ने अगर बोला है कि डिस्क्लोजर करो, इनकम टैक्स वालों ने अगर बोला है कि कोई डिस्क्लोजर करो, और फिर लास्ट में आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है नोट्स टू अकाउंट में, जनरली ये फॉलो होता है। हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे कि हमने बात की, दो टॉपिक अपनी कवर की हमने, जैसे कि पहला ट्रू एंड फेयर व्यू, फिर अपने बात कर रहे थे गोइंग कंसर्न।
तो डेविएशन, ये तीनों पॉइंट को हम कहां डिस्क्लोज करते हैं? तो बेसिस फॉर प्रिपरेशन में हमारा टॉपिक ही है ओवरऑल कंसीडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवरऑल कंसीडरेशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाएगा प्रिपरेशन करने में, तो इसका टॉपिक ही है बेसिस फॉर प्रिपरेशन, तो यहाँ पे हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रहा आपका गोइंग कंसर्न के बारे में बात, ठीक है। अब बात करेंगे अपना अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट, अक्रूअल। आई होप आपको पता है अक्रूअल क्या होता है। इसका मतलब होता है ऑल एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ऑकरेंस बेसिस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनकम एंड एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होगा ऑन अ पीरियड बेसिस, मतलब टाइम के हिसाब से, जितना समय हो जितना उतना ड्यू है वही रिकॉर्ड होगा, समझ रहे? आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर, सपोज करो आप बोलोगे, बोलते ना एक टर्म आता है क्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो ये सारी चीजें कहां से? अक्रूअल बेसिस पे, एज एंड व्हेन ड्यू, मतलब जब ड्यू हुआ है तब रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मेरी लायबिलिटी है 25 लाख की, ठीक है, मेरे को पे करना है अब 1 अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च को मैं पेमेंट नहीं दिखा सकता, 31 मार्च को मुझे ये दिखाना पड़ेगा, दैट इज ड्यू। सो बेसिकली इट इज ऑन अक्रूअल बेसिस, टाइम पीरियड के हिसाब से, जिस समय पे जो ड्यू रहेगा, सारे एसेट्स की लायबिलिटीज, एसेट लायबिलिटीज में जो रिकॉर्डिंग होगी वो इसी हिसाब से होगी। एसेट लायबिलिटीज में क्या होगा, जितना एसेट पे खर्चा हुआ है या फिर जो लायबिलिटी बुक होगी उसी हिसाब से होगी। जैसे इस साल का एसेट जो खरीदा गया इसी साल में रिकॉर्ड होगा, इस साल की लायबिलिटी जो है इसी साल में बुक होगी, इस साल का एसेट जो है इसी साल बुक होगा। तो बेसिकली जो समय विद इन अ फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग होगी, जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात हो गई। फिर आगे बढ़ते अपना अगला टॉपिक है मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी क्या है? मतलब भैया देखो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका एक कैलसी खो जाता है, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। भैया 100 रुपये का 10 करोड़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपकी, आप बोलोगे कि 100 रुपया खो गया, 100 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन हो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपको लग रहा है मटेरियल है या नहीं तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडेस ने ये बता दिया है, या शेड्यूल 3 ने बता दिया कि भाई क्या लिमिट है, तो एंटिटी को अपनी मटेरियलिटी लिमिट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो बोलेगा भाई मान ली 10 लाख मटेरियलिटी लेबल है, उसके नीचे अगर आप कोई फ्रॉड ऑडिट करने आप जा रहे होगे तो आपको पता है कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जाओ, जैसे मैं गया था, तो वो लोग बोला कि देखिए हमारे यहाँ मटेरियलिटी लेबल 10 लाख का, अगर उससे नीचे कोई दिक्कत है आपको तो यू शुड नॉट आस्क। सो वट देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इज कि आप क्यूमुलेटिव, उनके बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं ना, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ, नॉर्थ। तो हमने बोला देखिए आप क्या यहाँ पे अगर 2.5 लाख की एरर मिलती है तो दैट इंक्लूसिवली इज कॉल्ड 10 लाख, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का 10 लाख है देन इट इज ओके, मतलब दैट इज मटेरियल। सो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट उनके हर डिवीजन को लेके होती है, अगर एक डिवीजन में आप ऑडिट कर रहे हो तो सारे डिवीजन को मिला के देखा जाएगा तो मटेरियलिटी माना जाएगा, एक डिवीजन में अगर वो नहीं है इट डज नॉट मीन कि मटेरियलिटी लेबल क्लासीफाई नहीं कर रहे। ऑल दो शेड्यूल 3 ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब करके रखी है, दैट इज 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लाख वॉट विच एवर इज हाई, समझ रहे? आपके रेवेन्यू का 1% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹10 लाख विच एवर इज हाई इट शुड बी योर मैटेरियलिटी लेबल। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करिए आपका 10 लाख का मैटेरियलिटी लेबल है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इनकम और एक्सपेंसेस हो रहे हैं अबव ₹10 लाख ऑन अ कॉम्प्लाइड मतलब पूरी क्यूमुलेटिव बेसिस पे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट शुड बी डिस्क्लोज, अदरवाइज इट्स योर चॉइस आप उसको डिस्क्लोज करें या नहीं। समझ रहे हैं? तो बेसिकली जो मटेरियल है उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या जो सारे ई मटेरियल आइटम है, 5 लाख सपोज करें कि ई मटेरियल आइटम है, तो क्या इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। जो जो आइटम इंडेस से इंडेस में स्पेसिफाइड है, भले ही वो 1 रुपए का हो या किसी और लॉ के द्वारा, इंडेस या फिर कोई फर्दर लॉ एटसेट्रा के द्वारा अगर वो स्पेसिफाइड है कि भाई इसको तो आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, दैट शुड बी डिस्क्लोज, दैट मीन्स आपको वो बात आपको दिखानी ही दिखानी है। मटेरियलिटी 1% ऑफ द रेवेन्यू और 10 लाख बीच में था, तो उस ये एक लेबल है कि इतना तो आप इसके ऊपर जो है वो सारे A to Z यू शुड डिस्क्लोज। अदरवाइज अगर कोई लॉ इंडेस या फिर कोई कंपनी लॉ या फिर कोई अदर लॉ सेवी बोला कि आपको विद लोअर देन द मटेरियलिटी लेवल आपको वो बात भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, तो आपको वो बात तो भाई रूल से ऊपर आप ओवरराइड नहीं कर सकते अगर कहीं स्पेसिफाइड है। फिर अपना छठा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है भैया? आज जो है वो कल भी रहेगा। वाह वाह वाह। सपोज करिए ये फाइनेंशियल ईयर है 18-19 या 19-20, ठीक है, तो आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी यहां फॉलो की है, आपने जो प्रेजेंटेशन यहां पे दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है यहां पे, वो आपको यहां पे भी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो उसका चेंजेस आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इस चेंजेस को हमारा ASA डील करता है। तो भैया जो पहले किया था वो आज भी करोगे, जो पहले किया था वो आज भी करोगे, नहीं करोगे तो डिस्क्लोज करोगे या फिर ASA से बात कर लेना। बेसिकली कंसिस्टेंसी इज दैट की वन द अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन विच यू आर फॉलोइंग, यू आर अज्यूम दैट यू विल बी फॉलोइंग इन ईयर अप टू ईयर बेसिस। सो दिस इज बेसिकली अ नॉर्मल थिंग जो आई होप आपको अच्छे से पता है, कंसिस्टेंसी अक्रूवल गोइंग कंसर्न, बट वी शुड एटलीस्ट डिस्कस, हम CA फाइनल में है तो वी शुड डिस्कस वाइल आई मीन ऑल द थिंग्स। ऑफसेटिंग अगला टॉपिक अपना है 7th पॉइंट। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था DTA और DTL को, हमने क्या किया था ऑफशेट, ऑफशेट मतलब एक दूसरे से सेट हुआ। अपने क्वेश्चन में था 500 और आई गेस 200 ये था, तो हमने क्या किया था इसको माइनस करके एक जगह शो कर दिया था 300, ठीक है। सो बेसिकली ऑफशेट हो जाना एक नेचर का चीज है, तो वो ऑफशेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो इनकम है और एक्सपेंस है ऑफ सिमिलर नेचर, आई रिपीट, इनकम और एक्सपेंस ऑफ सिमिलर नेचर कैन बी ऑफसेट। और कैन बी नेचर आई मीन सिमिलर नेचर कैन बी सेट ऑफ, एक दूसरे से सेट ऑफ हो सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं एक दूसरे को। और एसेट्स एंड लाइबिलिटी, हमने इनकम और एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी कैन ऑल्सो बी सेट ऑफ इफ अलाउड बाई इंडेस। इंडेस अलाउ करेगा, जैसे हमने DTA और DTL में किया था, डिफर्ड टैक्स एसेट डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, मैं DTA बोल रहा हूँ शॉर्टकट, तो इसका मतलब है डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हमारा इंडेस बोला कि आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी कहाँ बोला गया है ये इंडेस बताइए, अभी पढ़ा नहीं, इंडेस 12 में बताया गया, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग कि आप सेम नेचर के अगर आप इनकम और एक्सपेंस है तो आप उसको सेट ऑफ कर लीजिए,
सेम नेचर की आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज है तो उसको सेटअप कर दीजिए. प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ द एसेट्स और लाइबिलिटी यू शुड बी हैविंग इंड एस अप्रूवल फर्स्ट. ठीक है. और एक पॉइंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन जो होते हैं वैल्यूएशन अलाउंसेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोविजन फॉर एसेट्स, शुड बी एडजस्टेड विद द एसेट. ये एडजस्ट होंगे एसेट्स के साथ. आपने एसेट्स रिलेटेड कोई भी प्रोविजन बनाया है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा. तो हमने बात क्या क्या कर ली, अभी एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाता है. तो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं चेक करेंगे, आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो डेविएशन आपको देना पड़ेगा विद द नेचर इफेक्ट्स एंड क्या उसके जगह पे आपने इनस्पाइट ऑफ दैट व्हाट यू हैव फॉलोड. गोइंग कंसर्न की बात कर ली, गोइंग कंसर्न अक्रूअल मटेरियलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ सेटिंग. अब बात करेंगे अपने अगला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेरेटिव इंडेक्स. में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज एंड वन ऑफ माई फेवरेट की कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक साल दूसरे साल का कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है. तो दैट इज बेसिकली ऑफ कमाल किसका है, वो कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स का. कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है. जैसे आप एक जनरल डिस्कशन करूं तो ये बैलेंस शीट आप जब देखोगे तो यहां पे लिखा रहता है करेंट ईयर प्रीवियस ईयर. सो ये क्या एक कंपैरिजन है. सपोज करो यहाँ पे 10 लाख खर्चा है या 12 लाख, तो एज एन ऑडिटर आप बोलोगे भाई इतना डेविएशन क्यों गया, पहले 12 लाख का खर्चा था अब. तो ये आप यहाँ पे एक एनालाइज कर, सपोज करो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ठीक है, मे बी आई एम जस्ट सेइंग इट. तो ये पहले 12 लाख था, अभी 10 लाख हो गया. सपोज करो ये 10 लाख था, ये 12 लाख हो गया. तो यू कैन आस्क कि भाई ये क्यों बढ़ गया. दे विल से बोनस है या नहीं है, या फिर किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे दी गई, एडवांस दे दिया गया, क्या हुआ कैसे हुआ. सो यू विल गेट द आइडिया. तो वेरिएशन चेक आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर के डेटा को, इस बार यहाँ पे वेरिएशन में लगा दो, यहाँ पे एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो, जितने ज़्यादा वेरिएशन है तो उसको आप चेक कर लो, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन उसको वेरीफाई कर लो. सो ये ऑडिट का टिप था, बट अभी इससे कोई रिलेशन नहीं. कॉम्पेरेटिव फॉलोइंग सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन किन चीजों का जैसे मैं बता दूं, जैसे कि बैलेंस शीट होता है, एसपीएल हो गया, सोकी हो गया, इसमें हम करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों का डेटा देते हैं, इसमें भी करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का डेटा देते हैं, और सेम केस यहां पे भी है. इसमें एक स्पेशल केस है, उसको भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा, मतलब हमें डिस्कस करना पड़ेगा उसको भी. वाह, मैंने ऐसे ही लाइन टान दिया. ओ हो भाई, इसका जरूरत नहीं है. अच्छा, तो एक जो स्पेशल पॉइंट यहां पे है कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या है स्पेशल बात. जब चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन क्लासिफिकेशन, और एक कंडीशन है मटेरियल रीस्टेटमेंट, इन केस में हमें बनाना पड़ेगा एक एडिशनल बैलेंस शीट. एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. आई नो आपको समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बात करते हैं भाई. पहली बात, और भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो ये आपको काम, इसके ऊपर आएंगे अभी. ये तीनों तीन चीजों को पहले समझ लेते हैं.
आपको अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ठीक, तो अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। चेंज इन क्लासिफिकेशन और रेक्टिफ और मटेरियल रीस्टेटमेंट, मटेरियल रीस्टेटमेंट मतलब यहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, मटेरियल हो गया जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो कि मटेरियल हो, मटेरियल स्टेटमेंट मतलब कि आपने कोई मटेरियल चीज को आपने रीस्टेट किया है, जैसे प्रायर पीरियड आइटम, इसको बोलेंगे बेसिकली प्रायर पीरियड आइटम, कोई प्रायर पीरियड आइटम को आपने मटेरियल जो है उसको रीस्टेट किया, पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसकी वजह से हिल गई, जैसे आपने बोला 40 लाख 50 लाख का कोई ऐसा चीज जो आप रिकॉर्ड करने ही भूल गए हो, सो वैसे केसेस में ऐसा आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। आखिर इसका मतलब क्या है, हमने बोला चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, चेंज इन क्लासिफिकेशन हो गया और मटेरियल रीस्टेटमेंट हो गई, तो एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो आपको समझ में आ गया, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो उसमें बदलाव हो गया। चेंज इन क्लासिफिकेशन, जैसे सपोज करिए आप AS फॉलो कर रहे हैं, अब आप क्या किए IND AS में आ गए, तो IND AS में तो पूरी क्लासिफिकेशन ही आपकी बदल जाएगी, पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही आपका बदल जाएगा, तो पूरी तरीके से चेंज हो गया क्लासिफिकेशन और मटेरियल रीस्टेटमेंट हो गई। आपका सपोज करो 2 करोड़ का आप सेल दिखा के रखे हो, लेकिन पता चला कि सेल आपकी 20 करोड़ होनी चाहिए, आपने लो सेल दिखाई है, लेकिन आपको लगा कि कुछ एरर पाए गए ऐसे जो कि सेल को कम फ्रॉड दिखा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपने मटेरियल रीस्टेटमेंट कर दिया, पूरी तरीके से बैलेंस शीट को चेंज कर दिया, बैलेंस उससे बहुत सारी चीजें इफेक्ट हो गई, डेटर इफेक्ट हो गया, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंस शीट आपका पूरी तरीके से हिल जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट आपका बदल जाएगा और जो पेमेंट है कितना पेमेंट हुआ कितना नहीं हुआ, लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, तो पूरी तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो इन तीन चीजों में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब ये बात करते हैं एडिशनल बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर कैसे बनेगी और क्यों बनेगी, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये आखिर है क्या, फिर से इसको यूज कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। हमने बोला आपको एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ऑफ प्रीवियस ईयर्स बिगनिंग, ऑफ बिगनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सपोज करिए ये आपका फाइनेंशियल, एक साल का मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, यहां पे आपको क्या हुआ, ये सपोज करिए आपका 2018-19 है, ये 31st मार्च, आप यहां पे क्या कर रहे थे, AS फॉलो कर रहे थे, AS से अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, आपकी कंपनी पे IND AS कंपल्सरी एप्लीकेबल हो गया, तो इस केस में आपको क्या हुआ, आपका पूरा रिक्लासिफिकेशन हो गया, सिग्निफिकेंट रिक्लासिफिकेशन हो गया। रिक्लासिफिकेशन का मेरा मतलब यहां पे था चेंज इन क्लासिफिकेशन या रिक्लासिफिकेशन, इसका मतलब मेरा यही था कि भाई पूरी तरीके से आपके अकाउंटिंग का पैटर्न है वो चेंज हो गया, क्लासिफिकेशन का पैटर्न चेंज हो गया, पूरी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका चेंज हो जाएगा, रिकॉर्डिंग डिस्क्लोजर पूरी तरीके से आपको ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। तो क्या यहां पे आप क्या करोगे, तो पहली बात जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे ये 18-19 ये 19-20 का, तो यहां पे जो बनेगी बैलेंस शीट तो वो क्या बनेगी, IND AS के हिसाब से बनेगी, बिल्कुल बनेगी। यहां पे जो आपका PL बनेगा वो भी IND AS के हिसाब से बनेगा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा, सपोज करिए 19-20 है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा, IND AS के हिसाब से। 18-19 का क्या बनेगा, जो कॉम्पेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ऐसे दो फाइनेंशियल, तो जो पुराना है पुराने का भी IND AS के हिसाब से बनेगा, समझ रहे हैं आप, मतलब यहां का डेट पे
यहां पे भी इंडेस का बनेगा, यहां पे भी इंडेस का बनेगा, प्लस ये तो ये एक्सचेंज तो होगा ही प्रीवियस ईयर का कॉम्पेटिटिव डेटा कैसे सपोज करिए बैलेंस शीट है, यहां पे लिखा है करंट ईयर, यहां पे लिखा है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का जो डेटा है वो यहाँ वाला ये सारा इंडेक्स के हिसाब से आएगा, मतलब ये पुराने डेटा को भी हमें इंडेक्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा, और ये तो करंट ईयर में इंडेक्स एप्लीकेबल है तो रहेगा ही रहेगा। और प्लस आपको एक एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया ना, एडिशनल बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की शुरुआत। अब प्रीवियस ईयर यहाँ पे ये है, अब इसकी शुरुआत कहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है, दैट इज 1/4 मतलब 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल का जो स्टेटमेंट बनेगा 1 अप्रैल का, दैट इज व्हाट द एडिशनल बैलेंस शीट, समझ रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि जब तक अब जैसे कि अब ये आगे जब जाएगा, सपोज करिए ये 3 साल, अगले साल एक और साल का एग्जांपल ले ले और क्लियर हो जाएगा, 19-20 के बाद 20-21, 20-21 में आपका इंडेस फॉलो हो रहा था, ठीक है, तो आपको क्या होगा 20-21 में, आप कौन सा, तो भैया इंडेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, 19-20 का आपका जो कॉम्परेटिव ऑलरेडी बना हुआ है, तो कंपैरिजन के लिए दोनों ही डेटा यहाँ पे आ गया। तो क्या यहाँ पे क्या एडिशनल बैलेंस शीट बनेगी, आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे उन 3 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई, कोई रिक्लासिफिकेशन नहीं हुआ, कोई मटेरियल रीस्टेटमेंट नहीं हुई, तो अगर ये 3 चीज नहीं हुई तो एडिशनल की जरूरत नहीं, बस 2 करेंट ईयर प्रीवियस ईयर का डेटा से ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज होता है, जैसे कि आप ASA इंडेक्स में चले गए, तो आपको 3 रिक्वायरमेंट याद, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इंडेक्स से तो बनेगा, उसके साथ साथ एक एडिशनल भी बनेगा, दैट इज दैट विल बी ऑफ ओपनिंग एज ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग, इस डेट पे बनेगी, इस डेट का हमें एडिशनल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। सो बस ये रही आपकी पूरी पॉइंट नंबर 2 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन होना चाहिए, डेविएशन अगर है तो क्यों है, कैसा क्या इंपैक्ट है, गोइंग कंसर्न की बात हमने कर ली, गोइंग कंसर्न है या नहीं, नॉन गोइंग कंसर्न पे भी बन सकता है, गोइंग कंसर्न पे भी बन सकता है, अक्रूवल मैटेरियलिटी कंसिस्टेंसी ऑफसेटिंग कॉम्पेटेट, तो इसमें एक ये वाला स्पेशल पॉइंट था और एक यहाँ पे स्पेशल पॉइंट था, हमने उस पर ज्यादा फोकस किया, उसको अच्छे से आपको बताने की कोशिश की। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, गोइंग कंसर्न आपको 3 पॉइंट्स पे देखने हैं, जैसे कि हमने बताया था 3 पॉइंट्स आपको देखने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्लो फ्रॉम अदर सोर्सेज देख के डिफाइन करेंगे, गोइंग कंसर्न है कैसे डिफाइन करेंगे कि आने वाले 12 महीने में फोर्सेबल फ्यूचर इवेंट जो आप उसको हैंडल कर पाओगे या नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो इन 3 चीज़ों से पता चल जाएगा आपको, अगर नहीं कर पाओगे तो आपको बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और वैसे ही हमने एक और स्पेशल पॉइंट अभी कॉम्पेटिटिव स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं, ये 2 पॉइंट अपना हो गया, ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगला टॉपिक अपना क्या होगा, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या स्ट्रक्चर होगा और उसमें क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए, टाइम हो गया ज्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और मैंने 2 बार बोल दिया, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और बस कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव हो तो हमें बताइए, और एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तुम्हारी हैसियत है, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड विल, आज करेंगे, अभी करेंगे, इस बार से बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है। शुक्रिया। We'll be right back.